हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वंडर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ संध्या और आज हम लोग दियो का डे टू करने वाले हैं। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डे वन का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने देखा नहीं है तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। आज है दियो का डे टू। सुबह सुबह अभी बज रहा है 11 और हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया था रिजॉर्ट में ही और अभी जा रहे हैं नायडा केव। तो मिलते हैं नायडा केव में। जाते समय एक बर्ड सेंचुरी का बोर्ड दिखा तो अभी हम लोग सोच रहे हैं एक बार अंदर जाके देखते हैं क्या है। अभी हम लोग आए हैं दियो के बर्ड सेंचुरी में। ये इनका पार्किंग स्पेस है। अभी हमारे अलावा आई गेस कोई भी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम बर्ड्स विंटर के टाइम पे आते हैं। अभी सितंबर का मंथ है तो अभी आपको ज़्यादा बर्ड्स नहीं दिखाई देंगे। एंड यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये वॉच टावर है। अभी इसमें ये क्लोज्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ताला लगा हुआ है। अभी इसमें नहीं जा सकते। मेरे पीछे जो लेक है वहाँ पे अभी भी कुछ बर्ड्स है, बट देन विंटर के टाइम पे आपको ज़्यादा बर्ड्स दिखाई देंगे। वो वाले वॉच टावर के ऊपर चढ़कर आप यहाँ से यहाँ पे बर्ड्स देख सकते हो। और इस तरफ भी पानी है पूरा, बहुत ज़्यादा नहीं है बट है थोड़ा सा। वहाँ पे एक वुडन वॉच टावर आपको दिख रहा है क्या, पता नहीं। वहाँ पे जाना अलाउड है। हम अभी जाने वाले हैं वहाँ पे, लेट्स गो। ये आगे जो गेट है वो बंद है एक्चुअली, बट हमें लगा कि अंदर भी कुछ है, बट एक्चुअली ये इनका ऑफिस है तो वैसे भी हमको जाना अलाउड नहीं है। एंड यहाँ पे देखो लैगर फैल्कॉन, ये भी बर्ड आपको यहाँ दिखाई देगा मोस्टली इन द विंटर। फ्लेमिंगोज यहाँ पे लिखा है कि 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये एरिया इनॉग्रेट किया था। और इस तरफ आपको बहुत सारे प्लांट्स भी लगाए हुए दिखाई देंगे। इट्स रियली ब्यूटीफुल, वेरी क्लोज टू द नेचर, पूरी ग्रीनरी है हर तरफ। इवानका, आर यू हैविंग फन? लेट्स गो अप। कितना यहाँ से जो व्यू है बहुत सही लग रहा है, लाइक आई कैन सी द बैक वाटर। वहाँ दूर पे समुंदर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी बैक वाटर है। इट्स ऑल ग्रीन एंड सो ब्यूटिफुल। बर्ड्स तो इतने नहीं दिख रहे एक्चुअली, बहुत कम बर्ड्स दिख रहे हैं, बट विंटर में आओगे तो बहुत मजा आने वाला है मोस्टली यहाँ पे। यहाँ का जो वाइब है बहुत मस्त लग रहा है, आई एम रियली लविंग द व्यू। काफी मजा आया, काफी सारे फोटोज भी क्लिक किए हमने। अभी चलेंगे नायडा केव। वी जस्ट केम टू द नायडा केव और देखा तो यहाँ पे गेट बंद है। नायडा केव्स का थोड़ा सा साइड व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, बट दिस व्यू डज नॉट डू जस्टिस टू द केव। हम लोग नायडा केव आए थे, अनफॉर्चुनेटली द केव इज अंडर रिनोवेशन। ये जो केव है ना, मैं बहुत साल पहले जब हम आए थे तब हम आ चुके हैं। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हम लोग भले ही इस बार नहीं जा पाए, आप अगर दियो आते हो तो प्लीज इस प्लेस को मिस मत करिएगा। बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर है और मेक श्योर कि आप तब आए जब थोड़ा सा धूप हो, लाइक अराउंड 11-12 बजे ऐसे, या फिर दोपहर के टाइम पे ऐसे आइएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मैग्निफिशेंट व्यू होता है इसका और यहाँ से आपके फोटोज भी बहुत मस्त मस्त आते हैं। और इसकी स्टोरी ये है कि ये नेचुरली फॉर्म हुआ था और उसके बाद जब पोर्चुगीज ने यहाँ पे रूल स्टार्ट किया तो उन्होंने इसके जो स्टोन होते हैं वो थोड़े यूनिक ऑरेंजिश कलर के होते हैं, उसको यूज करके इन्होंने दियो फोर्ट बनाया था। दैट इज द स्टोरी बिहाइंड इट। इसलिए अभी जो स्टोन है उसमें आपको कटे कटे थोड़े से कुछ कुछ अलग ही टाइप का दिखेगा, वेरी यूनिक मतलब डिजाइन दिखता है, बहुत ही मतलब वहां पे आप फोटो खींचोगे तो यू आर गोनो लव इट। नायडा केव्स बिल्कुल मिस मत करिएगा। 3 महीने से इसका रिनोवेशन चल रहा है बता रहे, अभी भी बंद है तो आई डोंट नो कि कब तक बंद रहने वाला है, बट आई होप कि जब भी आप ये वीडियो देख के विजिट करते हो तो खुल जाए एटलीस्ट, तभी आपको मजा आएगा। सो चलते अपने नेक्स्ट लोकेशन विच इज गोइंग टू बी जलंधर बीच। नेक्स्ट हम लोग आए हैं हेरिटेज वॉकवे पे। ये सारे प्लेसेस का गूगल लोकेशन मैं डाल दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। यहाँ पे बगल में एक बीच है। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ से आप चलोगे ना 1.5 किलोमीटर का वॉकवे है और जैसे आप वहाँ एंड में पहुंचोगे देयर इज दियो बस स्टैंड, विच इज रियली कूल। मतलब यहाँ से हम वॉकवे हेरिटेज वॉक लेकर पूरा बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। एंड ये जो काम स्टार्ट करने के लिए इनॉग्रेशन किया था रामनाथ कोविंद जी ने, एंड अभी भी काम चालू है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हम लोग हेरिटेज वॉक ले सकते हैं। बगल में देखिए ये वाला बीच है, काफी सुंदर है।
व्यू और ऊपर से तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है. सो लेट्स गो अप. तो यहाँ पे एक मंदिर का एंट्रेंस भी दिखाई दे रहा है बट दरवाज़ा बंद दिख रहा है तो हम यहाँ नहीं जा पाएंगे, बट ये वाला स्टेयर्स यूज़ करके हम लोग ऊपर जाते हैं. सो हम लोग स्टेयर्स चढ़कर अभी ऊपर आ गए हैं. चक्रतीर्थ बीच, INS मेमोरियल वाला एरिया, सब कुछ यहाँ से दिखाई दे रहा है. पूरा सी ही सी है हर तरफ. सो अभी हम लोग हेरिटेज वॉक स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा. लेट्स बिगिन. सो 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच होने वाला ये यहाँ से दीव बस स्टैंड तक. सो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो पूरा 1.5 किलोमीटर तो होने नहीं वाला है. तो जहाँ तक इन्होंने बना दिया है और जहाँ तक सेफ है वहाँ तक हम जाएंगे और फिर रिटर्न आ जाएंगे. फर्स्ट टाइम कि हम एक वॉल के ऊपर से वॉक कर रहे हैं. सो द स्ट्रक्चर इज देयर एंड पतला सा एक वॉल है, उसमें से हम वॉक कर रहे हैं. यहाँ से व्यू तो बहुत जबरदस्त है, आपको डेफिनेटली ये वॉक लेना चाहिए. और अगर आपको बस स्टैंड जाना है तो दिस विल बी एन इजी लाइक यू नो शॉर्टकट टू गो. ऐसे ही वॉक किया है अभी. यहाँ पर हमारी गाड़ी भी दिखाई दे रही है, पार्क किया हुआ है. आप देखिएगा काम अभी चालू है तो थोड़ा केयरफुली जाना पड़ेगा. तो आफ्टर फ्यू मंथ्स में भी आप पूरा दीव बस स्टैंड तक जा पाओगे. तो अभी यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है. सो आई गेस वी विल रिटर्न नाउ. उठाने भी पीटू पीटू व्हाट इज दैट. सो ये वॉकवे का जो कंस्ट्रक्शन है और वो वगैरह देखने में ना इतना नया नहीं लग रहा है. सो आई गेस इट इज पोर्चुगीज टाइम का ही कुछ स्ट्रक्चर रहेगा और उसको अभी रिनोवेट कर रहे होंगे बिकॉज ये डेफिनेटली बहुत ही नया तो नहीं है. मुझे मोस्टली ये पोर्चुगीज टाइम का ही दिखाई दे रहा है. सो इस पर मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, तो मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकती कि एग्जैक्टली क्या है, बट एज ऑफ नाउ क्या है ये मैं बता सकती हूँ कि ये एक वॉकवे है जहाँ से आपको पूरा दीव का एक थोड़ा सा यू नो एक ग्लिम्स मिल जाएगा और दीव बस स्टैंड पे आप जा सकते हो. हाँ, ऊपर आप आओगे ना तो काफ़ी सारे बेंचेस भी है जहाँ पे आप बैठ सकते हो और पूरा सी का व्यू एंजॉय कर सकते हो. सो अच्छा जगह है, आप आ सकते हो डेफिनेटली. ओके, सो वी आर प्लानिंग टू लीव नाउ बिकॉज जितना आगे चलेंगे उतना पीछे आना पड़ेगा बिकॉज हमारी गाड़ी इस तरफ है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं आगे जाते. डेफिनेटली आपके पास टाइम है तो एक छोटा सा एक स्ट्रॉल लीजिएगा यहाँ से और ऊपर आओगे तो आपको बीच का भी बढ़िया व्यू मिल जाएगा. और या सो अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन. हेरिटेज वॉक के बाद हम लोग उसके बगल में जो जलंधर बीच है वहाँ पर आए हैं. सो ये है जलंधर बीच. सो इस बीच का नाम जलंधर कैसे पड़ा उसके बिहाइंड भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. विष्णु जी ने अपना चक्र यूज़ कर जलंधर को मारा था. सो दैट्स वाई उनका सर यहाँ पे गिरा था, ऐसा माना जाता है हमें यहाँ से लोकल से पता चला. तो इसीलिए इस बीच का नाम जलंधर बीच है. और इसके बगल में जो बीच है उसका नाम है चक्रतीर्थ बीच. वो इसलिए बिकॉज विष्णु जी ने वहाँ खड़े होकर अपना चक्र चलाया था. सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एंड एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ. जलंधर बीच से आपको वहाँ पर एक रॉक दिखाई दे रहा होगा, तो वो शिव जी का एक मंदिर है जिसे पोर्चुगीज़ के टाइम पे पोर्चुगीज़ के लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था. अभी भी वहाँ पे शिवलिंग है, हमें एक्चुअली अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है बट कैमरा में आई एम श्योर एज मच एज पॉसिबल मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ. आई होप आप लोगों को एक ग्लिम्स मिल गया होगा. वहाँ पर ऐसा सीन है कि बारिश के टाइम पे और हाई टाइड के टाइम पे पानी पूरा यहाँ तक रहता है, तो वहाँ जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. बट जब धूप गर्मी की टाइम होती है तो पानी काफ़ी मीटर्स पीछे चला जाता है, तो आप आराम से वॉक करके मंदिर का दर्शन ले सकते हो. तो मेक श्योर कि अगर आप
जलंधर बीच आते हो और आपको लगता है कि टाइड नहीं है और वॉकेबल है, तो आप ज़रूर शिव जी का दर्शन कीजिएगा। आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन मुझे चक्रतीर्थ बीच ज़्यादा पसंद आया, तो बीच में एंजॉय करने के लिए आई गेस वो सबसे ज़्यादा बढ़िया बीच है, बिकॉज काफ़ी क्लीन था वो। तो जलंधर बीच के पास ही एक फूड स्टॉल है जहाँ पे आपको मैगी, फ्रेंच फ्राइज, चाय, पानी सब मिल जाएगा। ये स्टॉल वाले भैया ने हमें यहाँ की पूरी स्टोरी बताई थी, बिकॉज ये आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी गूगल में नहीं दिखाई देगा। तो हमने यहाँ से एक पानी का बॉटल ले लिया है, चाय ले ली है और मैगी अभी बन रहा है, सो एंजॉइंग माई चाय। सो ये है चीज़ मैगी, स्पेशली इवानका के लिए आया है। Hi. इवानका का मैगी। तो अंदर काफ़ी सारे वेजीज भी है एंड चीज़ डाला है ऊपर से। इवो टेक अ बाइट। पापा टिकट शेयर कर रहा है वो, है ना, ये वो शेयरिंग। इनकी मैगी काफ़ी चीज़ी और काफ़ी अच्छी थी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो भैया थे एंड उनकी मम्मा थी, सो बोथ वे वेरी स्वीट और वेरी फ्रेंडली, और मैगी भी काफ़ी अच्छी थी इनकी। जलंधर बीच का मेन एंट्रेंस है, हम लोग तो वो वॉकवे के साइड से ही निकल गए थे, यहाँ से एक्चुअल एंट्री है। सो एक बार हम एक्चुअल एंट्री थ्रू भी जाके देखते हैं। ओ यहाँ से अगर आप एंटर करते हो आई गेस आप अच्छे से बढ़िया व्यू ले सकते हो बीच का, और इसके बगल में आप देखिए बच्चों का खेलने का पार्क भी है, छोटा सा पार्क है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट बच्चे खेल सकते हैं आराम से। और मैं आप लोगों को ड्राइव थ्रू करके बीच का एक अच्छा सा एक व्यू दे देती हूँ। सो ये रहा जलंधर बीच, और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। जलंधर बीच दीव का ओल्डेस्ट बीच है, सो यही सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था, और पोर्चुगीज इसी रास्ते से इंडिया में एंटर हुए थे। तो चलिए अभी हम यू टर्न लेके चलते हैं वापस। यहाँ से आप एंटर करके बीच एंजॉय कर सकते हो। बीच काफी लाइक यू नो हाई टाइड टाइप का बीच है, तो बहुत ज्यादा आप अंदर नहीं जा सकते हो इसके। सो या बट देन यहाँ पे आपको बहुत ना पीसफुल फील होगा, ज्यादा कोई भीड़ नहीं है, इनफैक्ट कोई भी नहीं है, हमारे अलावा कोई भी नहीं था वहाँ पे। सो काफी पीसफुल एरिया है, काफी अच्छा बीच है, और आसपास की ब्यूटी भी बहुत सुंदर है। सो चलिए अभी नेक्स्ट लोकेशन जाते हैं। चलिए पापा। यहाँ पर भी बाहर नींबू सोडा वगैरह का स्टॉल दिख रहा है, ज्यादा कोई दुकान वकान नहीं है, बट यस वो मैगी भी बहुत टेस्टी थी, तो आप वहाँ पे मैगी खा सकते हो वॉकवे के पास में। सो वो जलंधर बीच की एंट्री थी, वहाँ से बगल में एक छोटी सी गली जाती है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान केव नाम का एक मंदिर है। सो लोकेशन आपको गूगल मैप का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो अगर आप यहाँ आते हो तो हनुमान केव मंदिर भी जाइएगा। ये वाले मंदिर के बारे में भी हमें वो मैगी वाले भैया ने बताया था, अदरवाइज हमें नहीं पता था। श्री मोटा हनुमान जी मंदिर है ये, सो लेट्स गो इन। जैसे जैसे मैं एक एक प्लेसेस विजिट कर रही हूँ, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ग्रीन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ की पब्लिक, दे आर वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल। आपको कुछ भी अगर पूछना हो, डाउट हो, दे विल आंसर यू, दे विल गाइड यू, दे आर वेरी स्वीट। तो ये जो हनुमान जी का मंदिर है, इस पे लोग बहुत विश्वास करते हैं। इट इज़ बिलीव दैट हनुमान जी अभी भी यहाँ पर है, सो इट्स अ वेरी पावरफुल टेम्पल। अगर आपको मौका मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आके विजिट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हनुमान जी का टेम्पल विजिट करने के बाद यहाँ से एक रास्ता है, स्टेयर्स है। महादेव जी का मंदिर है, यहाँ पे गणेश जी है
यहाँ पे हनुमान जी भी है और यहाँ पे शिव जी है। सो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। नंदी बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। यहाँ पे ना बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। केव से हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं और यू कैन सी हाउ मच आई एम स्वेटिंग। सो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है आज। दिन में थोड़ी सी ड्रिजलिंग भी हुई थी। धूप ज़्यादा नहीं है, कल धूप बहुत ज़्यादा थी बट आज धूप ज़्यादा नहीं है, बट ह्यूमिडिटी काफ़ी है तो काफ़ी स्वेटिंग हो रहा है। एंड अभी हम लोग जाएंगे फिर से चक्रतीर्थ बीच, बिकॉज वो बीच मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, अभी जो भी प्लान है इवनिंग का ही है, तो दोपहर तक का प्लान सारा हो चुका है। तो हमने सोचा चक्रतीर्थ बीच जाते हैं और थोड़ा सा बीच में मस्ती करेंगे एंड उसके बाद फिर लंच का देखते क्या करते हैं। सो ये चक्रतीर्थ बीच के पास एक फूड कोर्ट है, वहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको मैगी, डोसा से लेकर इटालियन पास्ता, फिर मोमो सब कुछ ही मिल जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे चाय पीने आए हैं और इवान का एक कौन सा ये स्लाइस है क्या? ये मैंगो दिखाओ, ये वो दिखाओ। ओके, शी इज एंजॉयिंग अ स्लाइस का जूस। How is it? Hi. How is it? Yummy. Yummy? Okay, pee lo, dikhao pee ke. बगल में ये व्यू है और काफी सही फूड कोर्ट है। चाय इज रियली गुड, इट्स स्ट्रॉन्ग, राइट अमाउंट ऑफ शुगर एंड एवरीथिंग। सो अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है। सो हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। सो लंच के लिए मैंने एक ऐसा लोकेशन ढूंढा जहाँ पे पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस्ड खाना आपको मिलेगा। तो दियो आए हैं तो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस्ड खाना तो ट्राई करना बनता है। तो मैंने गूगल में थोड़ा रिव्यूज पढ़कर एक लोकेशन फाइनलाइज किया है। आई डोंट नो खाना कैसा रहने वाला है बट हम लोग जाके ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे इस प्लेस का नाम है ओक केरो। हाँ, आपको पार्किंग तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा बट थोड़ा सा खाली रोड है तो आप आराम से थोड़ा पार्क कर सकते हो। बाइक है तो इजीली पार्क कर सकते हो, कार के लिए भी कुछ कुछ पार्किंग स्पेस है। तो उसके बाद आपको एक थोड़ा नैरो लेन है यहाँ पे जहाँ पे आप गाड़ी मत लेके जाइए, आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे पार्क करके थोड़ा सा वॉक करके हम अंदर जाएंगे। सो अभी हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं, लेट्स गो इन। एम्बियंस काफ़ी सही है, लाइक यू कैन सी ग्रीनरी ऑल ओवर, मनी प्लांट लगा हुआ पूरा जगह पे एंड सीटिंग इज ऑल्सो नाइस। सो लेट्स टेक अ सीट, कम यू सिट। सो सिंस हम लोग पोर्चुगीज़ करी खाने के लिए स्पेशली यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे हमने मंगाया है एक पोर्चुगीज़ फ़िश करी जो कोकोनट बेस्ड ग्रेवी पे बनती है और उसके साथ ही आपको राइस भी सर्व होता है। एंड ऑल्सो हम लोग एक वेज पोर्चुगीज़ कोकोनट करी विथ राइस भी मंगाया है। सो यहाँ पे सिंस जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करते हैं वैसे ही फ्रेश बनता है, तो आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है तो आप कम स्पाइसी बनवा सकते हो। सो हमने बोला है कि थोड़ा मीडियम स्पाइसी रखे ताकि इवान का भी खा पाए। सो या वील वेट फॉर आर फूड नाउ। सो हमारा खाना आ गया है। तो ये है वेजिटेरियन पोर्चुगीज़ करी, कोकोनट बेस्ड ग्रेवी होती है। एक क्लोजर दिखाए थे आपको। सो इसमें बीन्स, कैरेट और जो भी मतलब वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं वो सारे डाले गए हैं। काफ़ी सेमी थिक ग्रेवी है, काफ़ी यम लग रहा है, क्रीमी भी लग रहा है। और ये रहा हमारा फ़िश करी। सो वाओ, सो ये फ़िश लाइक इट इज़ अ वेरी फ्रेश फिश, आज का ही फ़िश है। इस टाइप का करी मैंने कुछ खाया नहीं इससे पहले, सो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है, राइस के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होने वाला है। सो आप जो भी पोर्चुगीज़ करी ऑर्डर करोगे उसके साथ आपको स्टीम राइस भी मिलेगा। सो ये हमारा स्टीम राइस काफ़ी हॉट है, सो लेट्स ट्राई नाउ। सो पहले थोड़ा सा राइस ले लेते हैं, काफ़ी गर्म है। मुझे ना खाना देखते ही मुँह में पानी आ गया। सो थोड़ा सा राइस ले लिया
एंड पहले ट्राई करते हैं वेज करी. सो पहले वेज करी ट्राई करते हैं. खाना इधर है. ये वाला डाला फिश डालो. ये वाला पीस. इवानका इज नॉट मच इनटू ग्रेवीज तो मैं उसको पीसेस ही देती हूँ. ज्यादातर पनीर का हो या चिकन का हो उसे पीस खाना ज्यादा पसंद है. या इट्स नाइस. या फिश. वेजिटेबल्स आर रियली फ्रेश और ग्रेवी में ना काफ़ी अच्छा कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है. इट्स अ रियली ऑसम कॉम्बिनेशन और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है. इट्स लाइक समबडी लाइक यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज इट इफ यू वॉन्ट इट स्पाइसी बट हम लोग को मीडियम स्पाइसी पसंद है. इवन इवानका भी आराम से खा पाती है. सो इट्स परफेक्टली अ मस्ट ट्राई ग्रेवी. और आप यहाँ आते हो तो वेजिटेरियंस भी डेफिनेटली यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं. वेजिटेरियन करी भी काफ़ी अच्छी है. अभी आई एम एक्साइटेड अबाउट द फिश करी सो आई ट्राई द फिश करी नाउ. तो ये रहा हमारा फिश करी. 1, 2, 3, 4 देयर आर 5 बिग पीसेस सो काफ़ी सही है फॉर द प्राइस. तो ये रहा पीस एंड आई विल टेक सम ग्रेवी एज वेल. सो लेट्स ट्राई द फिश करी. फिश करी इज सो गुड एंड ग्रेवी खाने में इतना मज़ा आ रहा है. नाउ आई ट्राई द पीस. ऐसे टच करने में ही ब्रेक हो जाएगा. इट्स वेरी सॉफ्ट वेरी फ्रेश. आई विश सौरभ नॉन वेजिटेरियन होते हैं. दिस इज लाइक यू कैन नॉट मिस दिस. यहाँ आते हो माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी द फिश करी पोर्चुगीज ग्रेवी वाली विद द राइस. मस्ट ट्राई गाइस. इट्स सो गुड. सो यहाँ का खाना हमने इंजॉय कर लिया. अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं. जो फिश करी थी बहुत बढ़िया थी. यू शुड डेफिनेटली ट्राई. जो कोकोनट का ग्राइंडिंग था वहाँ से लेकर पूरा प्रोसेस पूरा स्क्रैच से स्टार्ट किया था. सो यू नो आपको जो भी ग्रेवी मिलेगी एकदम फ्रेश मिलेगी. सो विच मीन्स कि आपको लाइक इनफ पेशेंस होना चाहिए कि वेट करके आप फ्रेश खाना है तो ऑब्वियसली थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा. तो सो डेफिनेटली अ मस्ट विजिट प्लेस. काफ़ी इंजॉय किया. मैं नेक्स्ट टाइम भी अगर दीव आती हूँ तो मैं डेफिनेटली यहाँ का फिश करी और राइस ट्राई करूँगी. यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं. यहाँ से बीच दिखाई दे रहा है काफी सुंदर सा. सो डायनासोर के स्टैचूज भी है. सो सोच रहे हैं कि एक बार उतर के देखते हैं कैसा है. ये क्या है वो? ये पिंक है. पिंक है? है. तो ये डायनासोर पार्क के सामने ही बीच है. सो अच्छा हुआ हमने यू नो ये प्लेस मिस नहीं किया. ऐसे ही रैंडमली आ गए एंड इट वाज वर्थ विजिटिंग. लाइक यू कैन नॉट टेक अ डिप बिकॉज पूरा स्टोन है. लाइक रॉकी बीच है थोड़ा. आप रॉक पे बैठ के थोड़ा एंजॉय कर सकते हो. बैठने के लिए बढ़िया है ये बीच. इवानका ने अपने लिए एक हाय एक कॉटन कैंडी ले लिया है. व्हाट इज दिस इवू? व्हाट इज दिस? पिंक. डेफिनेटली आप ये जगह मिस मत करिएगा. कुछ बोर्ड वोर्ड नहीं है तो आपको लगेगा कि क्या है बट देन इसलिए मैंने आपको दिखा दिया जाकर. सो डेफिनेटली आइएगा. इट्स डायनासोर पार्क. गूगल में आपको लोकेशन मिल जाएगा. सो लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी फॉर योर कन्वीनियंस. तो आप डेफिनेटली आइएगा. और रॉक पता है हो गया. लुक एट दैट. सी पानी थोड़ा कम हो रहा है ना वहाँ पे. देखो रॉक दिख रहा है एकदम बीच के सेंटर पे. सो यहाँ पे आप बिल्कुल भी यू नो मस्ती नहीं कर सकते बीच में. एक अच्छे लोकेशन पे बैठ जाओ और बस एंजॉय करो व्यू. नहीं तो बहुत डेंजरस हो सकता है. थोड़ा सा भी पैर स्लिप हुआ ना सीधा रॉक पे लग जाएगा. सो इट्स वेरी रिस्की. बस बैठने के लिए बढ़िया. काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे भी हैं. सो हम भी जाते हैं एक जगह पे लोकेशन पे बैठ जाते हैं. तो इस तरीके से केयरफुली अपना पैर लगा के चलिएगा. सो एकदम बढ़िया लोकेशन देख के हम लोग बैठ गए. इट्स सो मच फन लाइक वी आर सिटिंग हियर इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे. एंड इवानका इज एंजॉयिंग हर कॉटन कैंडी. और सामने है बीच का व्यू. इट्स सो गुड.
nice place, na? It's so refreshing and relaxed. You like it or don't like it? Batao. Yes. You like it? So it's very slippery, so bilkul jaiye mat. Like I'm just standing here, but. वहाँ पे सब तो बिल्कुल भी मत खड़े रहना. So it's always better कि यहाँ पे बीच पे बत्ती उतरो. इस रॉक पे बैठ जाना. रफ सरफेस है बट नेचर है, इट्स ब्यूटीफुल. तो हम लोग नागांव बीच आ गए हैं और कल जब आए थे तो सब कुछ बंद था, बीच में अलाउड नहीं था, लेकिन अब शायद अलाउड हो गया है. सो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा एंजॉय करते हैं. यहाँ पे अभी वाटर स्पोर्ट्स वगैरह अभी भी बंद है, तो आई थिंक उसके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा. जब मानसून पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तब शायद स्टार्ट होगा. सो इवानका ने अपना स्विम सूट पहन लिया है एंड शी इज़ सो हैप्पी. ओह चलो स्विमिंग करें, तो चलिए थोड़ा सा बीच में एंजॉय करते हैं. तो शाम को हम लोग निकले हैं सनसेट देखने के लिए, बट आज ना थोड़ा क्लाउडी है तो बिल्कुल भी सनसेट का चांस नहीं लग रहा है. सो मैं आपको एटलीस्ट लोकेशन दिखा देती हूँ. लाइक रोड पर ही खड़े हम लोग एक्चुअली यहाँ पे, तो यहाँ पे सामने यहीं पर एकदम बेस्ट सनसेट आपको दिखाई देगा. बट इट्स ऑल क्लाउडी, आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा. सनसेट का ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है बट देखने का चांस तो कम ही लग रहा है. एंड हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर कोडियार बीच का बीच एरिया है, सो वहाँ पर भी जाते हैं. लाइक सनसेट के लिए नहीं, एटलीस्ट देखते हैं बीच कैसा है. सो लेट्स गो. वनक बारा, सो दिस इज एज पर गूगल मैप इट इज़ वनक बारा बीच और काफ़ी सुंदर लग रहा है. माई गॉड, इट्स लाइक एक फैमिली हमें दिखाई दे रही है, अदरवाइज इट्स ऑल खाली खाली. और काफ़ी लाइक लॉन्ग स्ट्रेच वाला बीच है, वहाँ तक आप देख सकते हो बीच है. तो सनसेट तो हमारा थोड़ा फ्लॉप हो गया, बट देन बीचेस यहाँ पे बीचेस की कमी ही नहीं है ना. देर आर सो मैनी बीचेस और जो भी मेन मेन बीचेस और अच्छे अच्छे बीचेस हैं मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए. लुक एट द क्लीनलीनेस, है ना, इट्स वेरी वेरी क्लीन. ये ना स्पेशली मॉर्निंग वॉकर्स के लिए तो बहुत बढ़िया, लाइक यू कैन वॉक स्ट्रेट. बहुत लंबा स्ट्रेच ऑफ बीच है. सो या सो दिस इज़ वनक बारा बीच. सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और डे वन भी आप देखना मत भूलिएगा. डे वन में हमने काफ़ी सारे प्लेसेस कवर किए. डे टू हमने थोड़ा चिल्ड आउट रखा है ताकि कल चेकआउट है तो आराम से लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए और बहुत ज़्यादा टायर्ड ना हो जाए. तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा. सो मिलते हैं अगले व्लॉग में. बाय बाय, टेक केयर. और इसके बाद मैं शूट करने वाली हूँ दियो का स्ट्रीट फूड, जिसका व्लॉग आपको इसके बाद देखने को मिलेगा. सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आप कोई भी व्लॉग्स मिस ना करें.